मुंबई में अखिलेश के साथ डिंपल। अखिलेश ने इंडिया बालू के लिए ले लिया एक बड़ा फैसला। अखिलेश के इस फैसले ने उनके विरोधियों को चौंकाया। यूपी में बैठे योगी सोच में पड़ गए, अखिलेश आखिर करने क्या वाले हैं। अखिलेश ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ अपने समर्थकों और विरोधियों को कह दिया। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक फैसले से सबको चौंका दिया, हैरान करके रख दिया। ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। जैसे ही अखिलेश ने मुंबई में एंट्री मारी, वैसे ही उन्होंने बिना कुछ कहे ही बता दिया, आने वाले दिनों में उनकी राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, एक ऐसा परिवर्तन जो कईयों की राजनीति पर भारी पड़ जाएगा। अखिलेश ने जहां इंडिया गठबंधन वाले अपने सहयोगियों को ये बता दिया, सपा में रणनीतियों के निर्माता के रोल में एक और की भूमिका होने वाली है। वो सियासत की दुनिया में दोस्त होंगी, जिनके विचारों की अहमियत उतनी ही होगी जितनी राम गोपाल शिवपाल समेत सपा के कई कद्दावर नेता की है। ममता, राहुल, सोनिया, नीतीश, लालू, तेजस्वी ने देखा तो वो हैरान हो गए। वैसे हैरानी मोदी, शाह, योगी समेत बीजेपी को भी होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश के इस दोस्त ने अपनी ताकत का एहसास दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी को करा दिया। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी राजनीति में सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है। अखिलेश उस पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। अखिलेश समझ गए, राजनीति की सतह पर जितनी उनकी दोस्ती की बुनियाद पक्की होगी, उतने ही तरीके से आजाद होकर वो अपने सियासी दुश्मन से मुकाबला कर पाएंगे, उसकी आंख में आंख डालकर रणनीतियों को पढ़ पाएंगे, उसे पूरी तरह से डिकोड कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो ऐसे में सवाल है कि उस नए दोस्त के आने से पुराने दोस्त आरएलडी चीफ की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद जैसे दोस्तों का क्या होगा, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की सियासत को कितनी मजबूती मिलेगी, क्या अखिलेश ने इसके लिए मुलायम परिवार के बड़े बुजुर्गों की सहमति ली और क्या इस संबंध में अपनी पत्नी डिंपल यादव से बात की। ऐसे में सवाल है, अखिलेश का वो दोस्त कौन है। अखिलेश का वो सियासी दोस्त और कोई नहीं बल्कि सपा सांसद डिंपल यादव है। डिंपल के सियासी कद को मोटिवेट करने के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाया। एक तरह से उन्होंने डिंपल की राजनीति को प्रमोशन दिया, एक तरह से अखिलेश ने डिंपल को प्रमोट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे। डिंपल को राजनीति के माहिर खिलाड़ियों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लेकर आए हैं, उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कह रहे हूँ, डिंपल सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, सियासत की दुनिया में उनकी सबसे बड़ी साझेदार हैं। जितना सम्मान आप हमारा करते हैं, उतना ही सम्मान हमारी सबसे बड़ी साथी का कीजिए, जिन पर ना सिर्फ मुझे बल्कि हर सपाई को विश्वास है। सपा सांसद डिंपल यादव ने सपा में उनकी क्या महत्ता है उसको भी बताया। जब शिवपाल और अखिलेश के बीच दूरियां खत्म नहीं हो रही थी, तब डिंपल ने ही फ्रंट पर आकर दोनों के बीच सहमति कराई, जिसका असर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में दिखा, जहां बीजेपी के तमाम दावे फेल हो गए। डिंपल ने बीजेपी उम्मीदवार को करारी मात दे दी। ये डिंपल यादव की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज मुलायम कुनबा एक है। ये सब अखिलेश ने अपनी आंखों से देखा। डिंपल यादव की राजनीति में सक्रियता से उन्हें क्या फायदा हुआ वो महसूस किया। अब धीरे धीरे डिंपल को प्रमोट कर वहां लेकर आए हैं, जहां राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ियों की मौजूदगी है और एक बड़ा सियासी माहौल है। उस माहौल से वाकिफ कराकर अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल यादव की जिंदगी में राजनीति को पूरी तरह से उतार रहे हैं और अपने सियासी दुश्मनों को संदेश दे रहे हैं कि अब लड़ाई आपसे जबरदस्त होने वाली है।